मोजज़ नाज़रीने ग्रामी अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीने मोहतरम, पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के अमन के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, इसका पूरी दुनिया एतराफ़ कर रही है। और अब तो पाकिस्तान ने बाकायदा अफगानिस्तान के अमन के लिए एक हंगामी मीटिंग बुलाने का ऐलान कर दिया है, ताकि अफगानिस्तान खाना जंगी से बच जाए और अमन का कोई सियासी हल निकल आए। लेकिन अफगानिस्तान में जो इस वक्त भारत और अमेरिका की कठपुतली हुकूमत है, वो ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अमन के लिए अपना किरदार अदा करे। इसलिए आए दिन अशरफ गनी हुकूमत पाकिस्तान पर तरह तरह के इल्जामात लगाकर अपनी आवाम को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काती है, और मासूम अफगानी उनकी बातों में आकर पाकिस्तान को गालियाँ बकना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब की बात ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब पाकिस्तान ने जो किरदार अफगानिस्तान में अदा किया है, इसको न सिर्फ पूरी दुनिया मान रही है, बल्कि अफगानिस्तान की आवाम भी समझ गई है कि पाकिस्तान हमारी भलाई चाहता है और हमारी हुकूमत हमें गुमराही की तरफ ले जा रही थी। नाज़रीने मोहतरम, ताज़ा तरीन इतलाआत के मुताबिक अफगान शहरियों ने पाकिस्तान के किरदार की खुलकर तारीफें की हैं, और अफगान पार्लियामेंट में पाकिस्तान की सपोर्ट को खूब सराहा गया और यकीन दहानी कराई गई कि आने वाले वक्तों में अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ बड़ी बड़ी दिफाई डीलों पर दस्तखत कर सकता है और अफगान फिजाइया के लिए F-17 थर्डर लड़ाका त्यारे भी खरीदे जा सकते हैं। नाज़रीने ग्रामी, इस खबर के बाद ना सिर्फ भारत दुनिया में तन्हा होकर रह गया है, बल्कि वो ये सोचने पर भी मजबूर हो गया है कि 10 सालों की दोस्ती में अफगानिस्तान ने हमसे तेजस त्यारे खरीदने की कभी बात नहीं की है, और इसने हमारे दुश्मन से 6 F-17 लड़ाका त्यारे खरीदने के लिए बातचीत भी कर दी है। नाज़रीने ग्रामी, मौजूदा सूरत हाल में अफगानिस्तान की हमायत करने पर अफगानी लोग ये समझ चुके हैं कि पाकिस्तान हमारी भलाई चाहता है और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को दोस्ताना से बरादराना किया जाएगा। तो नाज़रीने मोहतरम, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फरी जोन को सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।